मैं बना रही हूँ यूपी स्टाइल मटर आलू के निमोना, जो विंटर के सीज़न में काफ़ी बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल डाल लिया, तेल में थोड़ा सा जीरा, सूखी लाल मिर्च का तड़का, उसके बाद प्याज लाल करके भून लूँगी। मटर को मैंने बॉयल कर लिया है, बॉयल करने के बाद इस तरह से फाइन पेस्ट तैयार कर लेने हैं। और जब प्याज थोड़ा सा लाल हो जाए तो 2 चम्मच इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा काली मिर्च, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल करके अच्छी तरह से भून लेना है। फिर उसके बाद स्वाद के अनुसार नमक मैं डालूंगी। फिर जितने भी आलू मैंने बॉयल किया था उसको हाथों से तोड़ तोड़ करके आप डाल दें। थोड़ा सा भून जाए तो जो भी हमने पेस्ट तैयार किए थे मटर के, तो उसको डाल देना है। विंटर के सीज़न में बहुत यम्मी लगते हैं। काली मिर्च का पाउडर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है यहाँ पर, और जितने भी मटर मैंने पीस के रखा था उसको अच्छी तरह से डाल देना है। और 5 से 10 मिनट भूनने के बाद इसमें हम पानी डालेंगे, और जब बॉयल आने लगे तो उसमें अच्छी तरह से धनिया के पत्ते डालेंगे। और ये गर्मा गर्म खाने के लिए तैयार है। गर्म चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं। और भी रेसिपी देखने के लिए लीनास किचन को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और